तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें SCF फाइंड करना है दो नंबर के बीच, और यहाँ इक्लिप्स डिवीजन जो एल्गोरिदम है उसका यूज करके हमें ये दोनों का SCF फाइंड करना है। जिस तरह हमने पिछली क्लास में देखा था वही मेथड यूज करके हमें इसका SCF फाइंड करना है। तीन क्वेश्चन है इसके, फर्स्ट के तीन पार्ट हैं, तो एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ए पार्ट करते हैं। 135 एंड 225 का आपको SCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है आपको। तो 225 डिवाइडेड बाय 135, सिंपली आपको ये डिवाइड करना है। तो ये देखिए आसानी से इसको कर सकते हैं, ये 135 बन जाएगा, 135 बन जाए 135, माइनस करेंगे जीरो। तो देखिए जब इसको डिवाइड करते हैं 135 से, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 90 आ रहा है। इसका मतलब हमको एक स्टेप और करनी है। अब 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को, तो 135 को यहाँ लिखना है आपको। अब 90 से आप डिवाइड करेंगे तो फिर ये 90 बन जा होगा 90। अब इसको माइनस करेंगे, आंसर आ रहा है 45। अब फिर आप डिवाइड करेंगे, ये प्रोसेस तब तक करनी जब तक रिमाइंडर आपको जीरो ना मिले। अब ये जो 90 है इधर आ जाएगा, ये इधर। अब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू जा होता है 90, तो ये हो गया 0 0। अब ये रिमाइंडर है यहाँ पे आ गया 0। तो जब लास्ट में जब 0 आ गया तो लास्ट वाला जो डिवाइजर है यानी 45, इसका SCF होगा जो लास्ट डिवाइजर है। तो जो इसका जो SCF होगा दैट विल बी 45। आया समझ में, क्लियर है? तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर है, देखिए 196 है और यहाँ 38,220। तो 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से। अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो पहला नंबर तो ईजी है, देखिए पहला नंबर तो 1 से ही जाएगा। इसको यहाँ लिखते हैं 196 वन जा, ये 1 से ही जाएगा। तो 196, अब इसको माइनस करते हैं, तो देखिए रिमाइंडर आ रहा है 186, ठीक है यहाँ पे, सॉरी रिमाइंडर नहीं है ये, मतलब फर्स्ट जब हमने किया माइनस तो 186 आ रहा है, फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इसके कौन सा मल्टीपल में आएगा तो इसको करके देखना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं 196, तो देखिए ये 9 से जाएगा और यहाँ आएगा 1764। अब इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करने पे 980 आया। अब ये इस किससे जाएगा, देखिए ये जाएगा 5 से। तो देखिए जब इसको माइनस करते हैं तो आंसर रिमाइंडर आ रहा है 0, यानी फर्स्ट स्टेप के डिवीजन में ही जो आंसर है, जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो इसका मतलब ये जो 196 है ये ही इसका SCF है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें यही है 196। तो सेकंड का आंसर हो गया 196 इज द SCF, ठीक है। तो ये पहले स्टेप में आ गया इसलिए यही इसका SCF हो गया, अगर एक और स्टेप होता तो वो उसका SCF होता। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट ऐसा करेंगे, देखिए 867 डिवाइडेड बाय 255। अब इसको डिवाइड करना है आपको, तो ये देखिए 3 से जाएगा ये, तो 255 3 जा 765 आ रहा है। इसको फिर माइनस करेंगे तो ये 2, ये 0 और ये 1। तो 102 जो है इसका रिमाइंडर आ रहा है। तो फिर हम डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में, ये यहाँ आ जाएगा 255, फिर डिवाइड होगा इससे। तो ये देखिए किससे जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 0 0 2 1 ज़ा 2। अब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 1 और ये 5, 1 एंड 5। तो देखिए सेकेंड स्टेप का जो रिमाइंडर आ रहा है 51, इसका मतलब ये फिर डिवाइड होगा। अब ये 102 इधर आ जाएगा, 102 को 51 से डिवाइड करेंगे, देखिए 51 टू जो 102 होता है, तो रिमाइंडर आ गया 0। मतलब अब रिमाइंडर 0 आ गया है। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है लास्ट डिवाइजर 51 है, यानी इसका जो SCF है ये है 51। तो इस तरह से आप एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके
किसी का भी SCF ऐसे निकाल सकते हैं।